आरजेडी विधायक के बेटे ने दिखाई दबंगई। नाश्ता पसंद नहीं आने पर युवक को पीट पीट कर किया अधमरा। जी, इस घटना के बाद आरजेडी विधायक के बेटे पर हुआ केस दर्ज। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं। रोहतास जिले के सासाराम के आरजेडी विधायक डॉक्टर अशोक कुमार के बेटे पर दबंगई का आरोप लगा है। विधायक पुत्र पर एक युवक को पीट पीट कर अधमरा करने का आरोप है। घटना सासाराम नगर थाना क्षेत्र के धर्मशाला चौक स्थित राजद एमएलए के आवासीय होटल की है। जी, आरजेडी विधायक के बेटे ने जिस युवक की पिटाई की, उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसका ऑपरेशन किया गया। छोटा सा बच्चा 18 साल का जो है, उसके दुकान में जाके अशोक कुमार जी, अशोक सिंह के विधायक जी के बेटे ने जो दुर्व्यवहार किया है, होटल में जाके रंगबाजी किया गया। उसका जो खाना हम लोग कस्टमर के लिए रखते हैं, उसको छीन के ले जाने का कोशिश, जिसमें लड़का रोका भी, रजत जो भी पड़ा हुआ है अस्पताल में, उसको रोकने के बाद भी उसको मारा गया वहाँ पे, हाथापाई हुआ। पीसीआर वाले भी आए, वो तीनों को लोड भी किया गया उसमें, और 10 मिनट के बाद उन लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद अंकुर सिंह होटल पे आते हैं, जो लड़का अभी पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, उसको मित्रतापूर्वक ले जाते हैं अपने अंकुर होटल पे, जहाँ पे ऑलरेडी 4 से 5 लोग ऑलरेडी हैं वहाँ पे, वो भी दारू पीते हुए, मतलब कि जो कि बिहार में दारू बंद है, तो वहाँ दारू आ रहा है कैसे, वो पी करके उस लड़का को इतना मारा है लोग कि अगर यहाँ का लड़का अगर नहीं जाता बचाने उसको, तो हम लोग उसको देख भी नहीं पाते। अभी क्या है कंडीशन? अभी उसका कंडीशन ऐसा है कि ना वो बोल पा रहा, ना किसी को पहचान रहा। आरोप है कि स्टेशन रोड के सड़क किनारे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले रजत केसरी से कुछ खाने पीने के सामान विधायक के आवासीय होटल में मंगाया गया था, लेकिन माननीय के पुत्र को खाना खराब लगा, उसके बाद विवाद बढ़ गया। इसके बाद विधायक के बेटे ने अपने दबंग दोस्तों के साथ मिलकर होटल में ही युवक की जमकर पिटाई कर दी। घायल रजत के परिजनों ने उसे गंभीर स्थिति में जमुहार के NMCH में भर्ती करवाया है। इस पूरे मामले पर अब विवाद इतना बढ़ गया है कि अब BJP के पूर्व विधायक भी RJD विधायक के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भी 5 बार विधायक रहा, लेकिन आज तक हाथ जोड़कर दूसरा काम नहीं रहा। हमारा भी बेटा है, किसी का हिम्मत नहीं है जो किसी को आंख उठा कर देखे। ये तो बड़ी दुख दर्द घटना है, मैं खेद व्यक्त करता हूँ। ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। कहे कि गुंडई चलने वाला नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। इसलिए मैं इस पर कहूँगा कि प्रशासन अपना बढ़िया से काम करे, किसी पक्षपात में नहीं रहे, हमारा यही प्रशासन से अनुरोध होगा। इसको लेकर सासाराम के SSP राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस ने घायल युवक के बयान के आधार पर केस दर्ज कर दिया है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। आया है, दरअसल इसमें एक रजत केसरी करके एक लड़का है, जो धर्मशाला चौक के आसपास में एक छोटा सा अपना सड़क के किनारे खाना पीना खिलाने का एक होटल चलाता था, उसी के बहन के बयान के आधार पर केस हुआ है, जिसमें उसकी बहन के द्वारा बताया जा रहा है कि उसके भाई रजत केसरी को 3 लड़कों के द्वारा, जिसमें एक अंकुर, दूसरा सुब्बू और एक तीसरा प्रधान करते हैं, 3 लड़कों के द्वारा मारपीट की गई। और मारपीट के कारण के बारे में उसके द्वारा बताया गया कि उसके होटल से आलू का भुजिया अंकुर नाम का जो लड़का था, जो यहाँ के स्थानीय विधायक का लड़का है, वो ले जा रहा था, जिसे शायद रजत केसरी के द्वारा मना किया गया। उसी मना करने में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के पश्चात आरोप है चकनी के परिवार का कि होटल में ले जाकर अंकुर होटल, जो यहाँ वहीं पर आसपास में ही है स्थित, वहीं ले जाकर उसके साथ मारपीट कर दी गई। मारपीट के क्रम में रजत केसरी का के सर पर जख्म था, इंटरनल कुछ क्लॉट था, और उसका इलाज जो है नारायण मेडिकल कॉलेज में हो रहा है। वहाँ पर हम लोग उसके परिजनों का बयान भी लिए हैं, और वहाँ पर जैसा पता चला है कि डॉक्टर के द्वारा ऑपरेट करके वो ब्लड वगैरह सब निकाल दिया गया है, और इलाज उसका चल रहा है। और हम लोग जो है इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कर लिए हैं, और छापेमारी भी तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए।
गौरतलब है कि सासाराम के आरजेडी के विधायक डॉक्टर अशोक कुमार के बेटे अंकुर पर पहले भी इस तरह के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या विधायक का बेटा होना गुंडई का खुल्लम लाइसेंस है या फिर कानून सबके लिए बराबर है, तो अब भी विधायक का बेटा क्यों सलाखों के अंदर नहीं है। सासाराम से मनोज सिंह, बिहार तक।